बड़ा अच्छा कटहल मिला है मुझे, अभी मैं नीचे से ही लेके आया हूँ, तो सोचा कि इसका भी कुछ आपको बना के दिखाऊँ। तो पहले मैं इसको काट लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आज क्या बना रहा हूँ मैं इससे। इस कटहल को मैंने काट लिया है, अब सब्ज़ी बना रहा हूँ मैं पंजाबी स्टाइल में, जिसको हम मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करेंगे। तो ये मैंने कढ़ाई के अंदर मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, और जो कटहल मैंने आपको अभी कटा हुआ दिखाया था उसको मैं इसमें फ्राई करूँगा। ये मैंने कटहल को डाल दिया और ये फ्राई, सारा कटहल एक साथ फ्राई हो रहा है। देख रहे हैं इसका कलर गोल्डन सा हो गया है, यानी कि ये जो हमारा डिज़ायर्ड फ्राई है, जितना मुझे ज़रूरत है उस हिसाब से फ्राई हो गया है। तो बस एक आध मिनट में मैं इसको बाहर निकाल लूँगा। निकाल रहा हूँ मैं इसको बाहर, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर गोल्डन कलर निकल गया है इसको फ्राई करने के बाद। इसका आप आगे मसाले में कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ। कटहल का जो मसाला बनाना है उसके लिए मैंने 3 प्याज 4 टमाटर और गार्लिक ले लिया है, और इन सबको छील के एक साथ मिक्सी में पीस दिया है। ये सारा मसाला मैंने मिक्सी में इस तरीके से पीस दिया है, और इसको मैं आगे भूनूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा। ये कढ़ाई में मैंने लगभग 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है, और इसमें वो जो मसाला पीसा है उसको अब भूनेंगे हम। मसाला भूनने से पहले मैं 1 चम्मच देगी मिर्च की डाल रहा हूँ, और इसको हल्का सा हिला लेंगे, और हिलाने के बाद अब मैं इसमें पीसे वो मसाला जो है उसको डाल रहा हूँ। अब इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मैं अब इसमें 2 चम्मच नमक की डाल रहे हैं, 2 टीस्पून यानी अपने स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच हल्दी की डाल रहा हूँ, 1 टीस्पून गरम मसाले की। अब आप इस मसाले को अच्छी तरह भून लें, इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उस टाइम को लगाइए। लगभग 10 से 15 मिनट हो गए मसाला भूनते हुए, और जो मैंने कटहल फ्राई किया है वो मैं अब इसमें डाल रहा हूँ। अब इस कटहल को मैं इस मसाले के साथ भूनूंगा अच्छी तरीके से। इसका फ्लेवर आपको, जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एक आपको नॉन वेज जो डिश का टेस्ट आता है वैसा ही टेस्ट मिलेगा आपको इसमें, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोचिए कि नॉन वेज कैसा होता है। इसको खाने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि नॉन वेज का टेस्ट कैसा होता है। अब इसको आप एक किसी थाली से ढक के 10-15 मिनट ढक्कन लगा के धीमी आंच पे इसको पकने दीजिए। मैंने अब इसे ढक्कन लगा दिया और 15 मिनट तक मैं अब इसे ऐसे ही पकने दूंगा, और लगभग 10 मिनट जो इसको मैंने स्लो हीट पे पकाया है उसके बाद ये पूरी सब्ज़ी आपकी पूरे फ्लेवर के साथ तैयार है, और आप इसे सर्व करें धनिया की गार्निश करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।